हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को कढ़ी बनाना बताऊंगी। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बनाने में उतना ही ज़्यादा आसान होता है। मैंने यहाँ पे प्याज लिया है और लहसुन लिया है और मिर्ची 2 से 3 और ये कढ़ी पत्ता है, आप देख सकते हो। ये इसमें मेन चीज़ है जो आपको डालना है। और ये मैंने अदरक लिया है कटा हुआ बारीक, और इसमें राई भी डालना है। यहाँ पे मैंने राई के कुछ दाने लिए हैं, आप देख सकते हो। और उसके लिए हमें मैदा लेना होगा। हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच बड़े चम्मच से, मैंने देख सकते हो आप, इससे मैंने 3 चम्मच ये बेसन लिया है और एक छाछ मैंने लिया था जिसको हम मठा बोल सकते हैं, मठा अपने देसी भाषा में बोलते हैं। और अब हम अपनी कढ़ाई रख देंगे, वो गर्म हो गई थी। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस तड़के के लिए जितना तेल डालते हैं बस उतना ही हमें डालना है। अब हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। हम इसमें सबसे पहले राई के दाने डालेंगे। जब उसमें में से आवाज़ आना बंद हो जाएगा फिर उसके बाद हम कढ़ी के पत्ते डाल देंगे। आप चाहे तो कढ़ी के पत्ते के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन मैं खड़ा ही डालूँगी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्याज और लहसुन, मिर्ची, अदरक एक एक करके सब हम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारा तड़का पकता रहेगा अच्छे से। तब तक हम अपने इस बेसन में छाछ डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मैं इसमें डाल लेती हूँ छाछ, मैंने डाल दिया है। हमें पूरा छाछ डालना है, ये नहीं कि बस थोड़ा सा ही। अब हम इसको अच्छे से एकदम मिक्स कर देंगे चम्मच से, देख सकते हो आप। ये मिक्स करने के बाद ऐसा हो जाता है। आप इसमें चाहो तो थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमारा तड़का रेडी हो गया है। अभी इसको हम थोड़ा सा और चलाएंगे, थोड़ी देर तक और पकने देंगे। आपको बीच बीच में चलाते देना है। उसके बाद हम यहाँ पे जो बेसन और छाछ का मिक्सर बना के रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे, आप देख सकते हो। और इसको हम बीच बीच में चलाते रहेंगे। उसके बाद अपनी ज़रूरत के अनुसार इसमें पानी डाल देना है। मैं कुछ इतना डालती हूँ। उसके बाद इसमें मैं हल्दी ऐड कर